हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज वेल. सो गाइस, मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेरीज आई थी. तो लोगों ने मेरे से पूछा कि हम HAL के डेवलप्ड LCH की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास रुद्रा भी तो है. तो हमने LCH क्यों बनाया? व्हाई LCH वाज रिक्वायर्ड व्हेन वी ऑलरेडी हैड रुद्रा? तो देखिए, ऑपरेशनल कंडीशंस में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. तो हमें दोनों का रोल, एक्चुअल रोल, एंड हम किस एंगल में उसे, किस वे में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर में हम बात करेंगे. एंड वी विल सी वेयर द डिफरेंस कम एंड व्हाई दैट डिफरेंस इज देयर. सो बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाई गाइज, माई नेम इज अमित मलिक एंड आई एम एन एयरफोर्स पायलट. एंड जो बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्यों है और डिफरेंस कहाँ पे है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, तो इसके बारे में आइए जानते हैं. कम, लेट्स सी. तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले रुद्रा से स्टार्ट करते हैं. देखिए, रुद्रा क्या है? ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसका एक वर्जन है रुद्रा. ये Mark 4 वेरिएंट है. इसके अलग अलग वर्जन भी थे, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4. ALH जैसे जैसे एडवांस होता गया तो उसके अलग अलग वर्जन आते चले गए. रुद्रा जो है ये बेसिकली अटैक रोल के लिए है. हम जब बात करते हैं LCH की, LCH एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है. लेकिन उसी की जगह जब हम बात करते हैं रुद्रा की, तो रुद्रा जो है एक मॉडिफाइड वर्जन है ALH का. इसका इनिशियल रोल जो था वो अटैक के लिए नहीं था, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए था. हमने इसको मॉडिफाई किया टू कम एज एन अटैक हेलीकॉप्टर. और वही अगर हम बात करें तो LCH एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है. तो देखिए, रुद्रा के हम कुछ फीचर्स देखते हैं और ये देखते हैं कि इसको कब हमने यूज़ और कैसे यूज़ करना शुरू किया. देखिए, इसको डिप्लॉय किया जा सकता है काफ़ी मिशंस के लिए, जैसे कि आपका रिकनेंस हो गया, ट्रूप ट्रांसपोर्ट हो गया, एंटी टैंक वॉरफेयर की हम बात करते हैं, इसमें मिसाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, क्लोज एयर सपोर्ट दे सकता है. तो इनिशियली हमने 76 रुद्रा ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर्स की बात की थी जो इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स को प्रोवाइड करेगा. अब इंडियन आर्मी जो कोर है, उन्होंने 60 हेलीकॉप्टर मांगे थे एंड दे टोल्ड कि हम 6 अपने स्क्वाड्रंस बनाएंगे इसके लिए. तो पहला जो रुद्रा था वो 2013 में डिलीवर किया गया था आर्मी को. अब देखिए, 2013 से अभी 2020 की बात कर रहे हैं हम, एंड अप्रॉक्सीमेटली 50 रुद्रा हेलीकॉप्टर्स हैं, दे आर इन टू सर्विस. अब देखिए, इसमें सबसे मेन फीचर जो होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ देखना है, वो है सबसे पहले यहाँ पे टरेट गन. उसके बाद में ये पॉड्स जो दोनों साइड में लगे हुए हैं. इसमें से इस पॉड की जो हम बात करते हैं, ये रॉकेट पॉड होते हैं. यहाँ से आप 68 mm, 70 mm की आप रॉकेट फायर कर सकते हैं. साथ में जो है यहाँ पे आप अलग से एंटी टैंक मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल आप वो कैरी कर सकते हैं. सिस्टम अच्छा है इसमें, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से आप ये देख रहे हैं, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इंफ्रारेड एंड ऑल, काफ़ी सिस्टम्स इस एयरक्राफ्ट में दिए गए हैं एंड इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है. सामने एक 20 mm टरेट गन है जो अच्छे से ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. ये वो टरेट गन है. LCH के हिसाब से इसे कंपेयर करेंगे तो वो डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊँगा, पर 20 mm का टरेट गन है, टेस्टेड है एंड इट हैज़ प्रूव्ड इट्स वर्थ. इसने अच्छा खासा अपने आप को प्रूव किया हुआ है हर जगह पे जहाँ पे भी हमने इसको टेस्ट किया है. अब आप इसके बाकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं. जो मटेरियल है जो हमने यूज़ किया है वो कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल है. बेसिकली यूज़ होता है कि इसको ट्रैक करना चाहता है तो ट्रैक करने के लिए इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ट्रैकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है इसमें. अगर आप ऊपर में देखेंगे तो इसके 4 ब्लेड्स हैं एंड दे आर गुड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी. इसका कैबलर भी, जो कॉकपिट है वो कैबलर मेड है. तो कॉकपिट में भी क्या है, आपका स्मॉल गन फायर की हम बात करते हैं तो वो इसको थोड़ा सा सेव करता है. अब देखिए, हम कॉकपिट एंड एवियोनिक्स की थोड़ी सी और बात करेंगे. तो इसका जो कॉकपिट है वो काफ़ी अच्छा ग्लास कॉकपिट है. ग्लास कॉकपिट इन द सेंस कि भैया जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे हैं, तो हम MFDs की बात करते हैं, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, जो पुराने सिस्टम से बेटर हैं. डिजिटल फंक्शंस हैं बेसिकली हम बात कीजिए. इसमें NVG कॉम्पेटिबल कॉकपिट है, तो नाइट विजन गोगल्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं.
हम एवियोनिक सूट्स की बात करें तो इसमें फ्लेयर है, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशंस हैं, इंफ्रारेड एंड आइडेंटिफिकेशन, फ्रंट एंड फोर, जिसकी वजह से हमें ये पता चल सकता है कि जब हम ट्रैक कर रहे हैं तो ये हमारा खुद का एयरक्राफ्ट है कि किसी एनिमी का एयरक्राफ्ट है, डॉपलर नेविगेशन है, रेडियो ऑल्टीमीटर है कि आपको काफ़ी लो अल्ट्रा लो फ्लाई करना है तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है जो आज के जनरली सारे के सारे एडवांस हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स में यूज़ किया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड लगा हुआ है, हेलमेट माउंटेड साइट है जिसकी वजह से जब हम फायर करते हैं तो आप पर्टिकुलर एंगल में देख के आप सीधा वहीं से इसको फायर कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें गन्स वगैरह की, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसमें 20M की M621 ऑटोमेटिक फायर है, 750 राउंड्स पर मिनट ये फायर कर सकती है एंड रेंज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छा है वो, आप वहाँ से इतनी दूर से इसको फायर कर सकते हैं। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लग सकती हैं, इसमें मिस्टल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल हम कैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे दिखाया कि इसमें पॉड्स लगे हुए हैं यहाँ पे दोनों साइड में, तो पॉड्स में आप डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स यूज़ कर सकते हैं। इसका खुद का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है जिसकी अगर हम बात करें, ये देखिए पुराना वर्जन था, इसको हमने मॉडिफाई किया है तो ये हमारा जो है मॉडिफिकेशन वर्जन ऐसे निकल के आता है। अच्छा खासा इसमें खुद के लिए डिफेंसिव सूट दिया गया है, तो ये साब का इंटीग्रेटेड डिफेंसिव एड सूट इसमें दिया गया, IDAS है। इसमें रडार वार्निंग रिसीवर है, RWR, IR जैमर है, फ्लेयर्स एंड शाफ्ट डिस्पेंसर भी हैं, जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्लेयर्स एंड शाफ्ट डिस्पेंसर लगे हैं दोनों साइड में कि अगर आपके ऊपर नीचे से कोई शोल्डर फायर्ड कोई IR सीकिंग मिसाइल अगर आ रही है तो आप इनका शाफ्ट एंड फ्लेयर का यूज़ करके एयरक्राफ्ट कैन एस्केप अवे। अब इसमें थोड़ा सा जो एक कंसर्न का रीज़न था वो था इसका लैंडिंग गियर। अब गाइस देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अगर हम अटैक हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो उसका लैंडिंग गियर स्टडी होना चाहिए, नहीं तो पायलट की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। हम लोग आपको जनरली चीज़ बताते होंगे, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि ये ऐसा है, इसमें हम ये लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन अभी भी कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से रुद्रा LCH के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है। स्पीड अच्छी है, ऑल्टीट्यूड भी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फीट तक ये जा सकता है, रेट ऑफ क्लाइंब अच्छा है, इसकी रेंज भी ज़्यादा है, लेकिन जब हम इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं तो फिर भी हमने, अब हम बात करें तो हमने LCH क्यों बनाया, कोई तो एक रीज़न होगा LCH बनाने का, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि LCH और इसमें ऐसा क्या डिफरेंस था जिसकी वजह से हमने LCH बनाया। अब देखिए कैटेगरी वाइज देखा जाए तो वेट वाइज अच्छा हेलीकॉप्टर है, 5.8 टन के आसपास में जैसे LCH वेट उठा सकता है तो इसकी भी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी इज़ गुड। रिसीवर्स सारे के सारे अच्छे लगे हुए हैं, इसका IR सिस्टम, इसका MOS एंड रेडियो ऑल्टीमीटर काफ़ी अच्छा है। एयरक्राफ्ट जो है इक्विप्ड है सारे के सारे लेटेस्ट, जो भी हमें एक सूट चाहिए होता है एयरक्राफ्ट को किसी भी चीज़ से खुद को बचाने के लिए या फिर अगर हम बोलें तो किसी पे अटैक करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट में अच्छे से दी हुई हैं। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि अगर ये ऐसा है तो LCH में और इसमें क्या डिफरेंस था। अब LCH की बात करते हैं तो सबसे पहले LCH के कुछ फीचर्स हैं जो हम देखेंगे जो कि रुद्रा में नहीं है, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसमें देखिए टैंडम सीट्स हैं, सीट्स मतलब आगे पीछे सीट्स होती हैं, जबकि वही अगर हम रुद्रा की बात करेंगे तो उसमें साइड बाय साइड सीट्स हैं। इसका जो मटेरियल है वो इस हिसाब किताब से बना है एयरक्राफ्ट का मटेरियल कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन जो होता है, जो बेसिकली एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के काम में आता है, वो काफ़ी हद तक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दुश्मन को इसके बारे में पता चलने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लेट रहेगा, उसके बाद में ही इसके बारे में पता चलेगा। फिर हम बात करते हैं लैंडिंग गियर एंड स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर जो लैंडिंग गियर है वो क्रैश वर्दी है। बेसिकली ये सिस्टम जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये इन केस ऑफ एन क्रैश ये पायलट्स की सर्वाइवेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ये प्रेशराइज्ड कॉकपिट है जो कि न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर के टाइम पे ये काफ़ी काम आता है, तो अगर इसके अंदर जो पायलट्स हैं दे कैन वेरी वेल एस्केप फ्रॉम ऑल दोज रेडिएशन।
तो ये ने इसने आपको वैसे सेव कर लिया। अब इसमें कुछ फीचर्स और हैं, जैसे कि इसका आर्मर पैनल। तो गाइज इसका जो पैनल होता है ना, ये आर्मर पैनल है, इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या है कि हमने इसको डेवलप ही किया है टू यूज़ एज एन अटैक हेलीकॉप्टर। तो इसकी वजह से इसकी आर्मर प्लेटिंग बेटर है। ये 12.7 mm राउंड्स तक की हम बात करते हैं, तो जैसे क्लोज रेंज वेपन्स हो गए, गन्स हो गए, ग्राउंड माउंटेड जो भी गन्स हैं, तो उससे अपने आप को काफ़ी हद तक जो है एयरक्राफ्ट अपने आप को सेव कर सकता है। पायलट्स हैं वो काफ़ी हद तक सेफ हैं इसके अंदर में, एंड वो आपको क्लोज एयर कॉम्बैट सपोर्ट जो भी है वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। इंफ्रारेड इंजन सप्रेशन हैं, जिसकी वजह से जो है अगर कोई मिसाइल इस पर फायर की जाती है तो उस वो जो है हीट सीकर मिसाइल जो होती हैं उसको चकमा देने के लिए एंड अपने आप को सेव करने के लिए इट इज़ वर्थ, इट प्रूव्स इटसेल्फ, एंड बहुत हद तक अपने आप को एस्केप करके आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड इन द मीन टाइम एनिमी पे अटैक भी करेगा। इसमें डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, फ्लैट कॉकपिट ट्रांसपेरेंसीज हैं, एंड कंपोजिट मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये एक तो लाइटर है और ऊपर से सेम टाइम पे स्टर्डी भी है। तो ये हो गई एक जनरल कंपैरिजन जिसके बारे में लोग जो है इसको सोचते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मिसाइल्स वगैरह की अगर हम बात करें तो दोनों में मिसाइल सिस्टम इज़ काइंड ऑफ सेम, जो उसमें लगना है वही इसमें भी लगना है, लेकिन इसका रडार जो है बेटर है अगर हम बात करें ALH के मुकाबले। ALH का एक अपना अलग यूज़ है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। देखिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि भैया ट्रूप इंसर्शन के लिए, हम उसको रेकोनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उसको वैसी थ्रेट लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे थ्रेट लेवल यू नो थ्रेट एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उस टाइप की फायर को नहीं झेल सकता है। इफ़ इट इज़ फायर्ड अपॉन इन दैट वे तो भैया द चांसेस ऑफ सर्वाइवेबिलिटी बिकम्स यू नो वेरी लो। तो उसके लिए आप इसको अलग उसमें यूज़ कीजिए, आप इसको हॉस्टाइल एयर स्पेस में यूज़ कर सकते हैं, क्लोज एयर सपोर्ट में यूज़ कीजिए, एंड एंटी आर्मर मिशंस के हिसाब से थोड़ा सा ये एक लेवल पे थोड़ा सा पीछे चला जाता है, ठीक है। तो HAL का LCH और HAL का ही रुद्रा दोनों बहुत अच्छे हैं। मिसाइल सिस्टम्स जो होंगे वो दोनों ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, दोनों में चार चार पॉड लगे हुए हैं। चाहे तो ये टोटली अटैक हेलीकॉप्टर है तो इसका अटैक है, कंपोजिट अच्छा है इसके हिसाब से, इसके स्टर्डीनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली टू ALH। मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये जो है अपने से ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स तक जा सकता है। हम बात करें तो रुद्रा हम अराउंड 20,000 फीट की बात करते हैं, और उसी की जगह अगर हम इसकी बात करें तो हम 20,500 ऑड फीट की बात करते हैं, लेकिन दोनों के रोल में डिफरेंस आ जाता है, आपको दोनों का रोल जो है वो डिफरेंट है। तो आपने देख लिया कि भैया दोनों का रोल अलग है। अब जब रोल अलग हो गया तो हम दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आप एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रिप्लेस इट गाइज, एक को हम दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए तो यू हैव टू यूज़ दिस, एंड आपको बाकी मिशंस में फिर भी क्लोज सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको LCH के साथ में आपको रुद्रा यूज़ करना पड़ेगा, या आई शुड से दैट आप उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रूप इंसर्शन में, आप उसको लगाइए और साथ में आप इसको साथ में यूज़ कीजिए, एंड इट कैन प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड फायर पावर। तो देखिए आपके दोनों काम हो जाते हैं, फायर पावर भी मिलेगी आपको, आपके ट्रूप इंसर्शन भी हो जाएंगे, क्लोज कॉम्बैट के टाइम पे ये आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। इन द मीन टाइम रुद्रा वहाँ से ट्रूप्स को इंसर्शन करने के आने के बाद में दोबारा इट कैन फायर जो भी वो लोड कैरी कर रहा है वो एनिमी पे फायर करके वापस आ जाएगा, एंड जो LCH है आपका ये रुद्रा को भी एक हद तक सेव कर सकता है, अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। सो गाइज दैट्स इट, यही आपके बेसिकली समझने वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए जब हम दो चीज़ों की बात करते हैं तो डिफरेंस कहाँ पे आता है। एक चीज़ आ जाती है सर्वाइवेबिलिटी, एक चीज़ आ जाती है वेपन्स, एंड एक आ जाता है उसका डेडिकेटेड रोल। तो अब देखिए कॉकपिट हो गया, लैंडिंग गियर हो गया, मिसाइल्स हो गई, वेट कैरिंग कैपेसिटी हो गई, एंड इसकी स्टर्डीनेस प्लस रडार से कैसे इफेक्टिवली अपने आप को बचा सकता है। सो गाइज दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड गिव थम्स अप, and wait for my next video. Till then, take care, bye bye, and
जय हिंद।